वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रीकी फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। तो जल्दी से अपना पेन पेंसिल निकालो, अपना नोटबुक निकालो और रीडिंग डालो। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। Now when we talk about electrical energy या फिर electric energy, देखो किसी भी circuit को, चाहे वो bulb हो, ठीक है, किसी भी appliance को, चाहे वो bulb हो, चाहे वो mixer grinder हो, चाहे वो tube light हो, चाहे वो fan हो, सबको run करने के लिए एक energy का requirement होता है, right? तो basically यहाँ पर हो क्या रहा है कि किसी भी तरीके के अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए, ठीक है। अगर हम लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो एनर्जी कर क्या रही है एग्जैक्टली, उस अप्लायंस के अंदर करंट को मेंटेन करने का काम कर रही है, ठीक है। जब तक करंट मेंटेन होगा तब तक अप्लायंस वर्क करेगा, अगर करंट मेंटेन नहीं रहेगा यानी कि करंट ख़त्म, अप्लायंस वर्क करना बंद कर देगा। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, टू मेंटेन फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, सो और व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा तो ये तो आ गया कि आपको मेंटेन करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को करंट। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, ओके, यू वांट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन दिस कंडक्टर, व्हाट यू विल डू फॉर द फ्लो ऑफ करंट एग्जैक्टली, वी विल अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। ये पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली करता क्या है करंट को फ्लो कराने के लिए, ठीक। हम लोगों ने बिगिनिंग में पढ़ा था कि इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट तक आएगा तभी करंट फ्लो होगा, उसी को हम करंट फ्लो होना कहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो ये वी कर क्या रहा है, इट इज डूइंग वर्क, ठीक। और कौन सा वर्क, इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन होगा। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वर्क डन फॉर वन चार्ज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चार्जेस ट्रांसफर्ड, राइट। अब प्रैक्टिकली हम लोग ये चार्ज को इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब जो नॉर्मल लेवल्स पे हम लोग के पास अभी जो लैब है बहुत सोफिस्टिकेटेड लैब्स होती है वहां पे आप चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हो, मगर जो नॉर्मल लैब्स है वहां पे आप, जैसे आपके स्कूल लैब्स है उसके अंदर आप कैसे चार्जेस कैलकुलेट करोगे, या अपने घर के बाहर आप कैसे चार्जेस कैलकुलेट करोगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, ठीक। तो हमने अपने हिसाब से फॉर्मूला को मोल्ड कर लिया, V इंटू आई इंटू टी। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय सर्किट, ठीक है। इसमें V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द अप्लायंस, I इज द करंट थ्रू द सर्किट, and T is the time for which current flows, ठीक है। अब कहीं से एक क्वेश्चन कहीं से ऐसा आ जाता है, ये तो वो है कि आपको निकालना है एक अप्लायंस के अक्रॉस आपको दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, करंट इतना है और टाइम इतना है, इतने टाइम के लिए फ्लो हुआ है तो बताओ एनर्जी कंजम्पशन कितना है। कई बार क्या होता है कि अप्लायंस सीरीज में कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो हम लोगों ने सीरीज के अंदर पढ़ा था रेजिस्टेंस में क्या होता है कि अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो हर एक इंडिविजुअल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग होगी, है ना। और हमें जो वैल्यू दी जाती है वो मोस्टली टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है। तो अगर ऐसा ना दिया गया हो और उसकी जगह आपसे कह दिया कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो वी है, आप ये मान लीजिए कि आपका जो अप्लायंस है उसके अक्रॉस हम आपको करंट, क्योंकि सीरीज में सेम उसका हम आपको रेजिस्टेंस बता देते हैं, ठीक। तो आप कहोगे कि हमने तो फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम का पढ़ा है। तो ऐसे में
आपसे ओम्स लॉ एकदम से जंप करता है सीन के अंदर और कहता है मैं हूं ना। आप कहोगे आप क्या, आप ये कि वी इज इक्वल टू आई इन टू आर, तो हम वी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो आपका एक और फॉर्मूला निकल के आ गया आई स्क्वायर आर टी। अब करंट पूरी सीरीज में सेम रहता है, रेजिस्टेंस आपको बता ही दिया जाएगा और टाइम बता दिया जाएगा, तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे कि एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई उस सर्किट के अक्रॉस। ठीक है, इसी में ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभी हम सीरीज की बात कर रहे थे, तो कई बार होता है पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, दो बल्ब है, एक इस कमरे में एक उस कमरे में, दोनों की रेटिंग 220 वोल्ट है। ठीक है, और आपको बोल दिया कि उसकी जो कॉइल है, जो भी मतलब फिलामेंट है, उसका रेजिस्टेंस इतनी इतनी वैल्यू का है, बताओ कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ अगर करंट इतनी देर के लिए फ्लो हो गया या इतनी देर के लिए हमने बल्ब को ऑन रखा। तो उस केस में क्या होगा, करंट तो चेंज हो गया। अब आप बैठ गया तो करंट की वैल्यू निकालो, नहीं तो इसके अंदर आई की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वी बाय आर, क्योंकि हमें बताया होगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू ये है फिलामेंट की। तो हम ई इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी कैंसल, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये हो गया आपके पास थर्ड फॉर्मूला, जिसको आप तब यूज कर सकते हो जब आपको सर्किट में बताया हो कि पैरेलल में कनेक्टेड एलिमेंट्स। ठीक, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, रेजिस्टेंस आपको बता ही देंगे और टाइम बता देंगे। ठीक, तो चलो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, सो दैट यू विल बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, एनर्जी की यूनिट जूल्स होती है, ये सबको पता है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा हो कि एक करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ हीटर फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द हीटर इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 230 वोल्ट। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, इसके अंदर क्या है, आपको करंट दे रखा है, वेरी गुड, टाइम दिया है और वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो वी कितना है, 230 वोल्ट, करंट कितना है 0.25 एम्पियर, और टाइम कितना दिया है आपको 5 मिनट्स, यानी कि 300 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है, आपसे पूछा एनर्जी कितनी कंज्यूम, तो इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। तो वी कितना है 230, आई कितना है 0.25 और टाइम कितना है आपके पास 300 सेकेंड्स। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका जवाब कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, आप इसको या तो ऐसे लिख दें या फिर आप लिख सकते हैं 17.250 किलो जूल 3 की वैल्यू के बाद, राइट। अच्छा, ये तो अगर आपका फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन, इसके अंदर आपने फॉर्मूला नंबर 1 ऐसे यूज किया। ठीक, अब आपका जो दूसरा वर्जन है फॉर्मूला का, वो कैसे यूज होगा वो देखो पहले। मान लो कि तुमको दो रेजिस्टेंस दिए हैं, ठीक है, एक है आपके पास 8 ओम, दूसरा है आपके पास 7 ओम, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया 15 वोल्ट का। ठीक है, अच्छा, आपसे यहाँ क्या कहा गया,
कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 8 ओम रेजिस्टर इन 3 मिनट्स. अच्छा तो अब तुम करोगे क्या, यहाँ पे जल्दी से देखो. पहले सबसे पहले ये 15 वोल्ट है पूरे सर्किट का दिया, मैंने पहले ही बताया था तुमको कि 15 वोल्ट पूरे सर्किट का दिया रखा होगा. यू विल बी वेरी लकी इफ यू विल बी गिवन इंडिविजुअल. ओके तो इस 15 वोल्ट को ना 8 और 7 नहीं दिखता, इसको कंबाइन दिखता है. तो हम क्या करेंगे, हम भी कंबाइन निकाल देंगे. हमको आता है कंबाइन जैसे निकालते, सीरीज में क्या करना, डायरेक्ट एडिशन 8 ओम + 7 ओम कितना आया. उड़ी पब्बा ये तो 15 ओम निकल के आ गया. तो जो करंट होगा सर्किट के अंदर उसकी वैल्यू निकालो, कितनी निकल के आएगी, V I = V/R. अभी अभी दिखा हमने तो V कितना है 15 वोल्ट, R कितना है 15 वोल्ट, करंट कितना 1 एम्पियर. ठीक है, अब इसके थ्रू करंट आपको पता लग गया कि I = 1 एम्पियर है. ठीक, अच्छा अब क्या करोगे तुम इसके अंदर, कि तुमको करंट पता लग गया. अब आपसे पूछा है कि 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस ठीक है कितना एनर्जी कंजम्पशन 8 ओम ने किया है 3 मिनट्स के अंदर. तो आपको पता है कि उसके अक्रॉस करंट कितना है, करंट पूरे के पूरे सर्किट इसके अक्रॉस भी 1 एम्पियर होगा और इसके अक्रॉस भी 1 एम्पियर होगा. तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आई दे रखा है कितना 1 एम्पियर, आपको आर दे रखा है कितना 8 ओम, आपको टाइम दे रखा है कितना 3 मिनट्स. 3 मिनट्स मतलब आपको कितना दिया है, 3 × 60 यानी कि 180. ठीक है, इतना दिया आपको 180 सेकेंड्स. क्या करोगे आप, I² RT = ये फॉर्मूला देखा ना हम लोगों ने, आई कितना आपके पास 1, आर कितना है 8 और टाइम कितना है 180. तो आपका जवाब कैसा आ जाएगा, ओके. तो या तो इतने जूल्स लिखोगे या फिर आपका लिखोगे 1.44 किलो जूल्स. ठीक, वही सेम चीज है, गॉट इट. अच्छा ये तो हो गया तुम्हारा ये वर्जन, कब जब सीरीज का सर्किट दिया होगा मोस्टली मोस्ट केसेस में. ठीक है, अच्छा तीसरा आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके का किया जा सकता है. तीसरा क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके का किया जाएगा, आपसे कर जाएगा एक है 20 ओम का रेजिस्टेंस, एक है 50 ओम का रेजिस्टेंस, दोनों को कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने पैरेलल में. ठीक, पैरेलल में कनेक्ट किया 100 वोल्ट. ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ. अच्छा कैलकुलेट एनर्जी कंजम्पशन पर 50 ओम फाइव मिनट्स. अच्छा क्या करोगे आप, देखो सिंपल, आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, वी दे रखा है कितना 100 वोल्ट. ठीक, टाइम कितना दिया आपको 5 मिनट्स. 5 मिनट्स का मतलब वही सेम 300 सेकेंड्स. ओके, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50 ओम. तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ गया, तीसरा वाला, E = V² / R × T. ठीक है, क्या करोगे, वी स्क्वायर मतलब 100 × 100, आर कितना दिया आपको 50, ये कितना है 300, करो 2 जा कितना 2 3 जा 6 कितने जूल्स या फिर 60 किलो जूल्स. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आपसे पूछे जाते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी.
अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। तो सर हम बात करें पावर के बारे में, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिक पावर है वो क्या होती है, हम सबको पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। इस वर्क कितना वर्क होगा, जितनी एनर्जी कंजम्पशन होगा, ठीक है, और जितनी एनर्जी होगी उतना ही काम कर पाओगे। तो एनर्जी अपॉन टाइम, अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते तो गलत नहीं होगा। कौन सी एनर्जी कंज्यूम होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पास हम के लिए हम लोगों के पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन है वी इंटू आई इंटू टी अपॉन टाइम। आंसर करो वी इंटू आई। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। सो वी इज इक्वल टू वी इंटू आई वॉट। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है जो होता है I स्क्वायर आर टी अपॉन टी। तो यह हो जाएगा आपका I स्क्वायर आर वॉट। ये होगा आपका सेकेंड एक्सप्रेशन फॉर पावर। सिमिलरली थर्ड एक्सप्रेशन आएगा आपके पास V स्क्वायर बाय आर इंटू टी एंटायर डिवाइडेड बाय टी। तो टी कैंसल्स अप एंड यू गेट V स्क्वायर बाय आर वॉट। अच्छा, ये तो हो गया आपका पावर के बारे में। अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। अच्छा, सबने देखा है पावर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, P was equals to एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। पावर का फॉर्मूला था एनर्जी अपॉन टाइम। इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो क्या इसी फॉर्मूले से अगर हमें किसी अप्लायंस की पावर दे रखी हो और ये बता रखा हो कि वो कितनी देर के लिए ऑपरेट हो रहा है तो हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये पावर है किलोवाट में दी हो और टाइम आपको आर में दिया हो तो आपकी जो यूनिट निकल के आएगी वो क्या होगी, किलोवाट आर। दिस किलोवाट आर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास तुम्हारे घर में कोई गीजर है, ठीक है, उसकी पावर रेटिंग है 1000 वॉट और आपने उसको एक घंटे के लिए ऑपरेट किया है, ठीक है, एक घंटे आपने गीजर चलाया है तो क्या होगा आपके पास, 1000 वॉट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट एंड इट इज ऑपरेटेड फॉर 1 आवर। तो अगर एनर्जी कंजम्पशन आपको यहाँ से निकालना पड़े तो कितना निकल के आएगा, 1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर विल बी इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। ये जो 1 किलोवाट आवर है इसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। और इसी को यूज करके हम लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करते हैं, राइट। जैसे 1 यूनिट के पार तुम्हें कॉस्ट दे रखी होगी, अब तो 7-8 रुपीज है, ठीक है, कहीं 7 है कहीं 8 रुपीज है कहीं 5 रुपीज है, इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, कितनी यूनिट आपकी कंज्यूम हुई है मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट का कॉस्ट कितना, तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको कैलकुलेट करके देगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पावर एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चन से या सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड बाय अ 10 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड across a 10 volt potential. ठीक है, क्या करोगे आप, पावर का फॉर्मूला आपको सिंपल सा पता है, वी स्क्वायर बाय आर। आपको वी दे रखा है कितना, 10 वोल्ट। आर दिया हुआ है कितना, 10 ओम। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, 10 × 10 अपॉन 10, 1, 10, 1, answer is 10. सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपके पास और आ जाता है, वो किस तरीके का होगा देखो ध्यान से। मान लो आपसे कहा अ बल्ब ऑफ 80 वॉट इज ऑपरेटेड for
चार्ज. कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड. ठीक है, अगर यहाँ तक क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे आप? देखो इसी में वेरिएशन बता देंगे हम आपको कि कैसा आ जाता है. ठीक है, देखते जाओ आप ध्यान से इसको. अगर यहाँ तक क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला है, पावर इन किलोवाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर. ठीक है, पावर कितनी दी है आपको यहाँ पर, 80 वॉट. वॉट दिए तो डिवाइडेड बाय 1000 टू कन्वर्ट इन किलोवाट. टाइम कितना दिया है, 8 आवर्स. आपका आंसर आ जाना चाहिए 640/1000, दैट इज 0.64 किलोवाट आवर. यानी अगर आप एक बल्ब जो कि 80 वॉट की रेटिंग का है उसको 8 घंटे जलाते हो तो एक यूनिट भी पूरी नहीं कंज्यूम कर पाते. अच्छा, ये तो हो गया आपका पर डे का. अगर आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट, इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, कैलकुलेट फॉर 30 days. तो 30 days के लिए क्या करोगे, 1 day का कितना था, 0.64. 30 days का कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 30, कितना जगह आ गया आपके पास, आपके पास आ जाएगा 19.2 किलोवाट आवर. ठीक है, ये आएगा. अच्छा, ये तो हो गया कंजम्पशन आपका. अब आपसे ये पूछ लिया जाए, मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर, कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन फॉर 30 days इफ 1 unit कॉस्ट 5 rupees. ठीक है, अगर 1 unit की कॉस्ट 5 rupees तो कैलकुलेट करके बता दो कि पूरे 30 दिन के लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा. कुछ नहीं है, वो 30 days है, 3 days होते हैं 30 days. आप क्या करोगे, आपको 30 days में कितनी एनर्जी कंजम्पशन हुआ होता तो आपको पता ही है. आपको इसको मैं क्या करना है, 1 unit में कितना आता है, 1 unit की कॉस्ट कितनी है, 5 rupees. तो आपको अब यहाँ पे क्या करना रह जाएगा, आपको इसके अंदर कन्वर्ट करके बताना. तो आप कुछ नहीं, टोटल कॉस्ट निकालोगे, क्या करोगे, 1 unit की कॉस्ट 5 rupees तो इतनी यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, कर दो मल्टीप्लाई. आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 96 rupees. ठीक है, यानी कि अगर आप 30 days के लिए 80 watt का बल्ब 8 hours के लिए रन करते हो तो आपकी कॉस्ट पड़ती है उसकी 96 rupees. हाँ, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. चलो मान लो आपके पास है 15 bulbs, कितना है, 60 watt का, कितनी देर चल रहा है, 6 hours चल रहा है. चलो एक है आपके पास रेफ्रिजरेटर, इसको कर देते हैं 300 watt का, नॉर्मल मतलब जो प्रैक्टिकल बिल्डिंग होती है, और ये चल रहा है आपका 5 hours. चलो 5 hours चल रहा है. अब आपसे पूछा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 1 unit इज 3 rupees, अगर 1 unit कॉस्ट 3 rupees, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन
पर डे, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन पर डे पूछा गया भी आपसे यहाँ पर, ठीक है। 3 रुपीज आपसे कहा है यहाँ पर, 3 रुपीज को ऐसे लिखो, रुपीज तो ये भी नहीं लिखते पर हाँ ऐसे लिखो। अच्छा तो यहाँ क्या करोगे आप सबसे पहले कि आपको कितने बल्ब दिए हैं, 15 बल्ब दिए हैं 60 वाट के, तो आपके टोटल जो लोड आ गया वो कितना आ गया, 15 × 60 यानी कि 900 वाट, ठीक है। ये कितनी देर के लिए, 6 आवर के लिए चल रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा 1 डे का बल्ब का कितना आ रहा है, 900 × 6 कितना है आपके पास, 5400, ओके। अच्छा दूसरा आपके पास क्या है, रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर का क्या किया आपने, कितना है, 300, कितनी देर के लिए चल रहा है, 5 आवर्स के लिए, तो कितना आया, 1500। अब आप यहाँ ये कर सकते हो, या तो यहाँ सीधा 1000 लेके इसको 5.4 किलोवाट आवर और इसको 1.5 किलोवाट आवर ले लो, ठीक, या फिर दोनों को ऐड करके जो फाइनल वैल्यू है वहाँ किलोवाट आवर ले लो, आप चाहो तो यही ले लो, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 5.4 किलोवाट आवर। इसको बाद में भी लोगे तो वही बात पड़ेगी, 1.5 किलोवाट, ठीक है। अच्छा ये आ गए आपकी पर डे की बल्ब की और एक दिन की रेफ्रिजरेटर की, तो ये जो टोटल आई है वो कितनी निकल गई, 5.4 किलोवाट आवर प्लस 1.5 किलोवाट आवर, यानी कि जो आपका टोटल एनर्जी है कंज्यूम पर डे वो कितने निकल के आ गए आपके पास, 6.9 किलोवाट आवर, ठीक। आपसे पूछा है कॉस्ट पर डे, पर डे की कॉस्ट निकालनी है आपको। देखो 1 यूनिट का कॉस्ट 3 रुपए है, पर डे आपका कंजम्पशन है 6.9 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका जवाब आ जाएगा अराउंड 20.7 रुपीज के आसपास। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब जैसे आपने यहाँ पे पर डे का निकाला है, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कॉस्ट फॉर 30 डेज, ठीक, या फिर आपको ये दूसरे तरीके से पूछा जाएगा कि कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून, तो आप 30 डेज के लिए निकालोगे। पूछा जाता है फॉर 31 डेज, या फिर कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो आप वैसे निकालोगे। कुछ नहीं है, ये पर डे है, इसी को आप मल्टीप्लाई कर दो 30 या 31 से, जैसा भी मंथ आपसे पूछा गया, साथ में आप उसका जो भी आपको टोटल फॉर 30-31 डेज के लिए निकल के आती है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो पर यूनिट के कॉस्ट से, तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्क्ड। इफ यू वॉन्ट मोर सच वीडियोज, please mention in the comment section below and I'll prepare another video on the numerical portion. Till then stay tuned to our YouTube channel, Freaky Physics.